खेती ऑर्डिनेंस के काले कानून के खिलाफ रोस प्रदर्शन में बैठे किसानों दिल्ली के बरूह से बैठे अज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इसको लेकर किसान संघर्ष कमेटी के वालों पंजाब भर के डीसी को देश के राष्ट्रपति के नाते मांग पत्र दिया जा रहा है, पर केंद्र सरकार अपने तानाशाही रवैये के चलद किसानी अंदोलन को अखों परोखी कर रही है। इसके पिछे चंद कारपोरेट घराने खुश करने की उसकी मंशा के चलद उस पिछले कुछ महीनों तो संघर्ष कर रहा देश का अन्नदाता दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री तोमर, प्रधानमंत्री कैप्टन सरकार का पुतला फूकया जाएगा। कई बार किसानों के साथ मीटिंग की गई पर खेतीबाड़ी आर्डिनेंस रद्द नहीं हुए। इस मौके किसान गुरबचन सिंह चब्बा ने कहा कि भाजपा के वालों कहा जा रहा है कि खेती कानून रद्द नहीं होंगे, इन्हें सोध करवा लो। हुण साफ हो गया कि जे गलबात होगी तो सोधा तो होगी, उस तरह गलबात नहीं होगी। तोमर जी ये ख्वाब देखने छड़ देने होर की कहा किसान आगुआ ने, आओ देखते हैं। हाँ जी सर, आज किस जगह पे आपकी ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और क्या वजह है? देखिए, आज पूरे देश में देश की सभी यूनियन की ओर से पूरे देश के जिला कम्प्लेक्स के या गवर्नर हाउस के सामने मार्च करने के बाद जो है वो मांग पत्र दिए जाएंगे। तो हम भी आज अमृतसर जिला कम्प्लेक्स में खड़े हैं। पंजाब में 11-12 जिलों में किसान भाई दूर संघर्ष कमेटी प्रोग्राम करेगी और यहाँ बहुत बड़ा मोटरसाइकिल रोस मार्च करेंगे हम। उसके बाद गोल्डन गेट के ऊपर अर्थी जलाएंगे मोदी सरकार के और मांग पत्र भी देंगे। मांग पत्र गवर्नर राष्ट्रपति जी के नाम पर भेजेंगे, जिसके ऊपर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का सवाल है, MSP पे गारंटी कानून का सवाल है, बिजली स्रोत बिल या पोल्यूशन का एक्ट रद्द करना, और जो केस बेबुनियादी हमारे ऊपर डाले गए उसको वापस लेने का सवाल है। इसी के साथ साथ जैसे डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इन मुद्दों को भी उठाया गया। जिस तरह से निजीकरण का ऊपर जो भी क्षेत्र हैं, चाहे सेहत के हैं, शिक्षा के हैं, सड़क के हैं, रेल है, बीमा क्षेत्र है, सभी को निजीकरण किया जा रहा, तो इसको रोकने की मांग भी उठाई जा रही है। जिस तरह से बेरोजगारी का सवाल है और इससे अधिक जो मोदी सरकार के विचार के विरोधी हैं, तो जुए पिए जैसे जैसे लाव उनके ऊपर लगा के जैसे जेलों में फेंका जा रहा, तो उसकी भी निंदा की है कि हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में इस तरह के लोगों को आवाज़ उठाने के, अपनी बात करने का अधिकार जो मिलना चाहिए, तभी नारा देते हैं कि किसान बचाइए, लोकतंत्र बचाने का नारा लगा रहे हैं इस दिन के ऊपर। जो पुतला बनाया गया उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी पोस्टर लगाया गया, वो क्या वजह है? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो बिजली सेक्टर में अभी देखिए 8 घंटे बिजली देने में नाकामयाब रहे हैं। जो ट्रांसफार्म है खेती सेक्टर में वो सड़ जाते हैं, 8 दिन मिलते नहीं हैं, बहुत सारी और छोटी मोटी समस्याएँ हैं, और जिस तरह से मतलब पंजाब के किसान जो है वो मुश्किलों में घिरे हुए हैं। इसी के साथ साथ जो कर्जा माफ़ी का वादा था, आज जो भी पंजाब की अन्य जो वादे करके केंद्र सरकार आई थी, सभी सॉरी कैप्टन सरकार आई थी, उसमें नाकामयाब रही है। कितनी देर तक प्रदर्शन चलेगा? अभी सब किसान इकट्ठे हो रहे हैं, देखिए 11:30 बजेंगे यहाँ, उसके बाद हम रोस मार्च करेंगे, तो उसके बाद अर्थी जलाएंगे। अर्थी इसी जगह पे जलाएंगे या गोल्डन गेट? गोल्डन गेट पर जाए रोस मार्च करने के बाद। गोल्डन गेट किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला अमृतसर, प्रधान लखविंदर सिंह वरियाम मिंगल बोलदा जी। अज 26 जून है, जो काले कानूनों खेती के कानून जोड़े मशहूर काले कानूनों के नाँ पर होया उन्होंने रद्द कराने के वास्ते जोड़ा वा, वैसे तो 1 साल तो उपर हो गया, पंजाब शुरू होया 3 जून आए सन आर्डिनेंस, तो 5 जून राष्ट्रपति से दत्ते हो गए कानून के कन्वर्ट हो गया। अज जो प्रोग्राम है भी 7 महीने हो गए दिल्ली के बैठे ने, दिल्ली में चारे पासों तो किसानों ने, पूरे भारत के किसानों ने, पंजाब के नहीं पूरे भारत के किसानों ने उन्हें रोक के रखा, घेर के रखा हुआ वा, तो 7 महीने होने के रोस वजों अज जो वा पूरे अपना पंजाब किसान मजदूर संघर्ष पंजाब वालों पूरे पंजाब के डीसी दफ्तर जाके इकट्ठे होकर रोस प्रदर्शन करके मोदी सरकार शाह का, खेती मंत्री तोमर जी का, तो नाल कैप्टन साहब का भी पुतले फूक के जोड़ा वा रोस प्रदर्शन किया जाऊगा, तो डीसी साहबान जोड़ा वा मंग पत्र दे के राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब से राष्ट्रपति तक पुजता करना कि इन मंगों वाल ध्यान दिता जाए, तुरंत खेती के कानून रद्द किए जा, तो MSP का कानून बनाया जाए, बिजली सोध बिल या प्रदूषण वाला वा उन्होंने तुरंत रद्द किया जाए। 7 महीने हो गए लगातार दिल्ली संघर्ष से बैठे, लगातार धरने भी जारी है, कई किसानों ने शहीदियां भी पाइया ने, पर मोदी सरकार के कंधे जूनी रिड़की की कर जाए? वेखो भी 7 महीने दिल्ली के बैठे हो गया, तो 500 तो ज़्यादा जेडे शहीदियाँ पा गए ने किसान मजदूर भारत के लोग, तो जी भाजपा की सरकार आ, मोदी की सरकार आ, वो इन्नी ज़्यादा कितने प्राउडी हो चुकी आ
कि उन्होंने दुनिया का शायद कीड़े मकौड़े समझते हैं तो उन्होंने एक अपना मूँह शब्द भी अफसोस का नहीं निकलिया कि ये माड़ी गल हुई आ कानून तो कदों रद्द होने नहीं होने वक्री गल् पर लोगों की इंसानियत के नाल ही उन्होंने कोई लेना देना नहीं आते सरकार को समझ लेना चाहिए कि इन्होंने लोगों की वजह ना ही तुम कुर्सियों पर बैठे जे ये लोग चाहन कि जो भी तैनू उतार देने कुर्सियों तो अज भी सोच विचार तो कम लेना चाहिए तो लोगों की गल सुननी चाहिए। 2022 दी चोणां नेड़े आ गईआं लगदा कि भाजपा नूं इसदा नूं वोटां पैणगीआं। हाँ वेखो वो तो पहलों भी होया जिन्हां पंजां स्टेटां दे विच इलैक्शन होई आ वड्डा ही पूरा जोर लग गया 10 साल ममता का राज रहा बंगाल दे विच जिहड़ा 10 साल लगातार राज कर ले सारे लोग उहदे नाल कदी सहमत नहीं हुंदे बहुत सारे लोग उहदे नाल नाराज़ होए होणगे सारिआं दा फायदा नहीं कर सकदी सरकार उत्थे क्यों ये हार होई भाजपा दी क्योंकि मोदी दे नाल जो लोगों के अंदर गुस्सा सी उस गुस्से नूं लै के उह सरकार जिहड़ा वा दुबारा जिहड़ा ममता दा जिहड़ा राज आया वा इसे तरीके नाल हुण तुसीं यूपी दे विच वेख लो वी यूपी दे विच भाजपा दी सरकार हुंदिआं होइआं जिस दी स्टेट दे विच जिथे जिहदी सरकार होवे उहदीआं पंचायत इलैक्शन जितदे हो ये आम ही आ सारे उत्थे यूपी दे विच पंचायत इलैक्शन सारे हार गए हैं ये इहदा मतलब सीधा सीधा वा कि भाजपा के बरखिलाफ हर बंदे दे मन दे विच रोस आ गुस्सा वा नफरत है। सर जो अज मंग पत्र दित्ता गया किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों की मुद्दा जी इन्हां दा जी जो बड़े समय तो मुद्दे चलते आ रहे ने जिन्हां नूं कृषि कानूनों के बरखिलाफ पराली साड़न के कानूनों के खिलाफ अते बिजली के कानून के खिलाफ यह धरना दिता गया धरना प्रदर्शन शांतिपुर रहे ते मंग पत्र दे के इन्होंने फरदर अगे जाके कितने प्रोटेस्ट करना है। तो सर की तुहाडे वल्लों भरोसा दिता गया साढ़े वालों जी यही भरोसा है कि असं जल्द तो जल्द जो इन्हों का मंग पत्र है जी जी अथॉरिटी तक पहुँचा चाहते हैं दैट इज़ ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया असं उन्होंने तक पहुँचाने की पूरी खेचल करा। आवाज़ कॉम टीवी अमृतसर तो पत्रकार ललित शर्मा की रिपोर्ट।